गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू साइंस क्लास। एज वी वर डूइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अकरेंस, दैट वॉज नेचुरल सोर्सेज एंड सिंथेटिक सोर्सेज। जो नेचर में बने वो नेचुरल और जो मैन मेड हो वो। देन क्लासिफिकेशन सेकेंड टाइप वॉज अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, दैट वॉज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड वॉज लाइक वुड, चारकोल, कोल। लिक्विड वॉज लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल। एंड गैसियस फ्यूल्स वर पेट्रोलियम गैस लाइक LPG, नेचुरल गैस दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, देन पाइप्ड नेचुरल गैस वॉज देयर। देन अवेलेबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो काफ़ी टाइम तक अवेलेबल हमें हमेशा रहते हैं और अगर हम यूज़ भी करें तो वो बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, रीप्लानिश कर लेते हैं। दीज आर नोन एज रिन्यूएबल, इनको इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते। बट एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाते हैं, जो यूज़ करने के बाद बहुत टाइम लेते हैं दोबारा से बनने में, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा। ओके, दिस वॉज आर प्रीवियस क्लास विच वी हैव रिवाइज। Now we are starting from fossil fuels. Have your book with you, उसमें से भी reading होगी, ठीक है, and then we will proceed further. Now the fossil fuels are known as fossil fuels because these are the fuels which are made from fossils. Now what are fossils? Fossils बच्चे होते हैं dead remains of plants and animals which get buried under the earth crust, and they are formed as rocks. मतलब वो earth crust में दब जाते हैं। दब जाते हैं का क्या मतलब कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा pressure होता है, उसके ऊपर मिट्टी और सारे मतलब का मिट्टी पत्थर इतना नीचे नीचे तक दबते जाते हैं। और आपको ये पता है ना कि हमारा जो कोर है अर्थ का वो बहुत गर्म है, तो जितना ज़्यादा हम अर्थ के कोर की तरफ जाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, है ना। सो टेम्परेचर और प्रेशर से उसके ऊपर प्रेशर उतना होता जाएगा, उतना ज़्यादा अर्थ उसके ऊपर होगी। सो टेम्परेचर और प्रेशर के एक्शन से वो धीरे धीरे सुलगता रहता है और वो पत्थर बन जाता है। अगर वो पत्थर हमारे काम आता है, उसको जलाएं और उससे हीट लें, अगर इस तरह से काम आए तब तो हम उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अगर वो सिर्फ पत्थर बन जाता है then that is known as fossil. I hope that it is very clear to you. Now see the fossil fuels: coal, oil and gas. These are fossil fuels. जो बनते हैं जहाँ पे पानी भी mix हो जाता है ना, तो वहाँ पे oil बन जाता है, ठीक है। और वो जिसको petroleum बोलते हैं, crude oil बोलते हैं। और जो पत्थर की तरह से बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वो कोल बनता है। और जहाँ पे पेट्रोलियम है, जहाँ पे ऑयल बनता है, वो ऑयल के जब वो ऑयल बन रहा होता है डीकम्पोजिशन के टाइम पे, वहीं पे गैस भी बनती है। तो जहाँ पेट्रोलियम मिलता है उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको नेचुरल गैस भी मिलती है। ओके, then these are known as fossil fuels because they have been formed from the organic remains of prehistoric plants and animals.
प्री हिस्टोरिक मीन्स जिनको दबे बहुत टाइम हो गया, जिनको मरे बहुत टाइम हो गया, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स मीन्स पार्ट्स ऑफ लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिक लिविंग को शो कर रहा है ना। तो ऑर्गेनिक रिमेन्स पार्ट्स ऑफ लिविंग बींग्स, किनके पार्ट्स? ऑफ प्री हिस्टोरिक, बहुत पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स जो दब गए हैं, कहाँ? अर्थ क्रस्ट में। नाउ देन हाउ दे आर बींग यूज, दे स्टिल प्रोवाइडेड अराउंड 66% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिकल पावर। मीन्स अभी भी हम फॉसिल फ्यूल से 66% वर्ल्ड की इलेक्ट्रिकल पावर इसी से बना रहे हैं। एंड 95% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एनर्जी डिमांड्स, चाहे उसमें हीटिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, वो सब फॉसिल से मिल रही है, ठीक है। बट फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सो इस वजह से हमें इनको यूज़ कम करना चाहिए, बिकॉज एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाए तो इनको बनने में बहुत टाइम लगेगा। एंड दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑल्सो, ठीक है। अब देखते हैं कि हम कौन से मेन यूज़ भी करते हैं, और उससे पहले देखते हैं कि वेयर फॉसिल फ्यूल्स कम फ्रॉम। तीन तरह के मेजर फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, दैट आर कोल, ओल एंड नेचुरल गैस। ऑल दीज वर फॉर्म्ड मैनी हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बिफोर द टाइम ऑफ द डायनासोर्स। डायनासोर्स आपको पता है ना, कहा जाता है कि कैसे ख़त्म हो गए थे। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं डायनासोर्स को के ख़त्म होने से रिलेटेड। तो उस टाइम जब वो इतना उथल पुथल अर्थ पे चल रहा था, तो वो सारे दब गए थे अंदर, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में दब गए थे नीचे। दैट्स वाई उन सबसे जो फ्यूल्स बने, सिर्फ डायनासोर्स नहीं, उस टाइम के सारे एनिमल्स, बहुत से प्लांट्स, कुछ एक जो रह गए थे उनसे आगे की हमारी अर्थ ग्रीन हुई, ठीक है। सो दैट्स वाई उनसे जब जब वो दबे, तो वो दबने के बाद धीरे 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 अब के टाइम तक वो फॉसिल फ्यूल्स बन गए थे। द एज दे वर फॉर्म्ड इज कॉल्ड द कार्बोनीफेरस पीरियड, बिकॉज उस टाइम कार्बन, ये क्या है, दीज, ये जो कोल है, नेचुरल गैस है, दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कार्बोनीफेरस पीरियड। पैलियोज़ोइक इरा का पार्ट था वो। कार्बोनीफेरस गेट इट्स नेम फ्रॉम कार्बन, द बेसिक एलिमेंट इन कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इज कार्बन, ठीक है। हमारा भी बेसिक, वुड का भी बेसिक जो एक एलिमेंट है, दैट इज कार्बन, ओके। नाउ वी आर कमिंग ऑन वुड, वुड एज अ फ्यूल। नाउ वुड एक मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वी कॉल इट रिन्यूएबल बिकॉज जब भी हम वुड को, मतलब जब भी हम प्लांट उगाएंगे, उसके कुछ सालों में ही वुड हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड मेनली अभी भी अगर हम देखें, दिस इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या, कंबशन ऑफ वुड। बहुत से लोग अभी भी वुड को जलाकर अपना कुकिंग का काम, हीटिंग का काम करते हैं, ठीक है। नाउ आजकल ये पहले स्टीम इंजन्स वगैरह में जलती थी, बट आजकल तो इलेक्ट्रिकल इंजन्स आ गए हैं। बट स्टिल वेयर द स्टीम इंजन्स आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रेन, देयर द वुड इज बीइंग यूज्ड, कोल इज बीइंग यूज्ड। स्टीम टर्बाइंस जहाँ पे चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, दैट ऑल्सो इज बीइंग डन बाय बर्निंग द वुड। See the book, I am taking book at this time also. So the combustion of wood produces heat which can be put to a variety of uses. It also produces other gases, like जब भी हम इसको जलाते हैं तो
इससे हीट तो निकलती निकलती है, बट साथ में बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन में ये जल रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दो गैसेस बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉर्मल गैस विच इज़, बट इसका एक्सेसिव यूज़ से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो उसकी लेयर में अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई तो इट विल ट्रैप द सन्स रेज इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब सन की रेज ट्रैप हो जाएंगी तो सोचो क्या होगा, कि वो हीट कंटिन्यूसली अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी और हमारे जितने भी पोलर आइस, पोलर कैप्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, वो सारी पिघलती जाएंगी और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, दैट्स वाई परसेंटेज, इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंजरस फॉर अस। नाउ इफ़ वी कम टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स अस अनडिजायरेबल इरिटेटिंग सेंसेशंस एंड इट इज़ वेरी डेंजरस डेंजरस फॉर अस। इरिटेटिंग मीन्स हमारी आई के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए। और क्या होता है कि ये अभी हम लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी सही, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है तो वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ वेरी डेंजरस। चलो ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वुड को अगर हम कहें तो ये एक तरीके का प्लांट के अंदर टिश्यू है ना। नाउ सी द स्क्रीन प्लीज, बुक हमने देखी। वुड इज़ अ हार्ड फाइब्रस टिश्यू फाउंड इन मैनी प्लांट्स। वाई इट इज़ सेइंग मैनी प्लांट्स, बिकॉज सम ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स, हर्ब्स जिसको हम कहते हैं, दे डोंट फॉर्म वुड। ठीक है, उनकी बड़ी सॉफ्ट सा स्टेम होता है, सो उनसे वुड नहीं बनती है। इट हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज फॉर बोथ फ्यूल एज अ एंड एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ लिविंग एरियाज, जहाँ पे स्पेशली जो अर्थक्वेक प्रोन होते हैं एरियाज, वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर अर्थक्वेक आए, घर गिरे, मतलब ज़्यादा थोड़ा डैमेज कम हो, लकड़ी का अगर घर होगा, लकड़ी की अगर छत होगी, तो वो किसी को भी हार्म कम पहुंचा सकती है, इंस्टेड ऑफ कि ऊपर आयरन रोड्स, पत्थर, बजरी, इन सब से घर बना हुआ है। नो डाउट वो पक्के बनते हैं, लेकिन अर्थक्वेक जोन में आप यूं लगा लीजिए कि कुछ भी वेरी स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, सो बहुत सारी जोन्स में दीज आर यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस। वी ऑल्सो यूज़ वुड इन कंस्ट्रक्शन पर्पजेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग डोर्स एंड फर्नीचर एंड ऑल दैट। ओके, सो देन वुड फ्यूल के एडवांटेजेस क्या हैं? एज विद एनी फायर, बर्निंग वुड फ्यूल क्रिएट्स न्यूमरस बाय प्रोडक्ट्स, सम ऑफ विच कुछ तो हमें यूजफुल भी हैं और कुछ खराब भी हैं, है ना। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमें अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी देते हैं, इरिटेटिंग भी लगते हैं और हमारे ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के लिए दे आर हार्मफुल। देन द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ वुड बायोमास एनर्जी इज दैट वुड इज़ यूजुअली सिग्निफिकेंटली लेस एक्सपेंसिव। कि पेड़ से काटना है या कहीं से लेना है तो कोयले की बजाय, नेचुरल गैस की बजाय, इन सब की बजाय, पेट्रोल डीजल की बजाय वुड काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, उससे मतलब महंगी नहीं है, सस्ती है। देन अदर एडवांटेजेस इंक्लूड द फैक्ट दैट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस इज 90% लेस देन बर्निंग फॉसिल फ्यूल। अगर हम कोल, नेचुरल गैस
ये चीज़ें जलाते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम एमिट होती है। वुड फ्यूल कंटेन्स मिनिमल अमाउंट्स ऑफ वुड, के अंदर सल्फ़र बहुत कम होता है, हैवी मेटल्स काफ़ी कम होते हैं। सो जैसे सल्फ़र तो क्या करता है ना, सल्फ़र अगर हम दूसरे फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उनमें सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर बनाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सारी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। देन वुड फ्यूल्स इट इज़ दीज आर नॉट अ थ्रेट टू एसिड रेन पॉल्यूशन एंड पार्टिकुलेट इमेशंस, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बर्निंग ऑफ, इफ़ कंपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सो दैट्स वाई वुड इज़ हैविंग सम एडवांटेजेस ओवर अदर्स। देन डिसएडवांटेज की बात हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके जलाने से धुआं बहुत निकलता है, स्मोक, स्मोक कंटेनिंग वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर केमिकल्स एंड एरोसोल पार्टिकुलेट्स, ये हमारे लिए इरिटेटिंग हो सकते हैं, आई के लिए भी और ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए भी, ठीक है। तो ये कब होता है कि जब वुड फ्यूल जो है पूरी तरीके से नहीं जलता है, पूरी तरीके से मींस इनकम्प्लीट कम्बशन हो रही है, ऑक्सीजन कहीं कम मिल रही है। तो देन जो मेजर कंपोनेंट है वुड का वो है स्मोक, वो बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स धुएं के आपने देखे होंगे, और ये पॉल्यूशन का मेजर पार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन जो एयर पॉल्यूशन में है दैट इज़ ड्यू टू वुड स्मोक। वुड के जलाने से जो धुआं निकलता है वो मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस। देन इफ वी आर कमिंग टू कोल, कोल इज़ अ रेडिली कम्बस्टिबल ब्लैक रॉक, ये एक तरीके का पत्थर ही होता है। कौन सा पत्थर होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, या तो ये ब्राउनिश ब्लैक होगा या प्योर प्रॉपर ब्लैक होगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, फॉर्म्ड फ्रॉम पार्शियली डिकम्पोज प्लांट मटीरियल, मतलब जो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ ऐसा प्लांट मटीरियल, ठीक है। देन इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, इट इज़ ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स और काइंड्स। ये क्या किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी डेप्थ पे था, ठीक है, कितना उसको टेम्परेचर मिला, कितना उसको प्रेशर मिला, और टेम्परेचर प्रेशर के साथ उसके अंदर कौन सा कंटेंट मटीरियल है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। अच्छा, इसके आने से, कोल के डिस्कवर होने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुई, मींस इंडस्ट्रीज़ में हम काम करना शुरू हुए लार्ज स्केल पे, क्योंकि इससे स्टीम टर्बाइन्स चलाए जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी जो एक इंडस्ट्री चलाने के लिए, बनाने के लिए सफिशिएंट होती है, ओके। सो मींस दैट मींस कोल का प्राइमरी यूज़ क्या है, सो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन दैट इज़ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग डन बाय कोल, एंड कोल इज़ द फॉसिल फ्यूल, ओके। देन अकरेंस ऑफ कोल, कोल हमें कहाँ मिलता है, कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सर्फेसिस ऑफ अर्थ, अर्थ में काफ़ी नीचे मिलता है। अगर हम इसकी देखें कि फिज़िकली ये हमारी इंडिया में बहुत जगह पे कहाँ पर मिलता है, तो बच्चे कोल के लिए पहले तो कोल माइंस बनानी पड़ती है ना, उसको कोल निकालने के लिए, कोयले की खाने जिसको बोलते हैं हिंदी में हम। देन दीज मेजर कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। तो जो लार्जेस्ट कोल माइन है इट इज़ एट बोकारो एंड झरिया, दीज बोकारो एंड झरिया आर देयर इन झारखंड, एंड
Raniganj, that is there in West Bengal. So you have to learn these places also. Learn, you have to learn what is, what do you mean by coal? Okay. Then what is the primary use of coal? Then how it occurs? या अगर अर्थ की बात करें तो यू हैव टू राइट डाउन इट इज़ डीप अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अगर इंडिया की लोकेशन की वाइज बात करें, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, देन यू हैव टू राइट झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. तो मेन आर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, जिसमें सबसे बड़ी कोल माइंस है, दैट इज़ बोकारो एंड झरिया इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. Do you know also says that coal is one of the largest source of carbon dioxide emission. Its use therefore needs to be curtailed. Curtailed means minimized. इसका use हमें कम करना चाहिए because carbon dioxide इससे बहुत ज़्यादा निकल रही है, जिससे greenhouse effect हो रहा है. Now we are coming to formation of coal. How the coal was formed? कोल बनता कैसे है? सिंपल, कोल एनिमल रिमेन से नहीं बनता है. तो आपको इसके लिए स्पेशली लिखना पड़ेगा दैट कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट रिमेन्स व्हेन दे गॉट बरीड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, देन क्या कहेंगे हम, ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम the chemical and physical properties of plant remains get changed. क्यों चेंज हो जाती हैं? Because of geological action. Geological, geo means earth. Earth के अंदर के actions के according उसकी properties change हो जाती हैं, जिससे एक solid material बनता है. That led to the creation of the solid material. Okay. And this gives the definition of carbonization, and it is very important. That is there in your book, in the book page number 112, first paragraph, last line. The process, underline bhi kijiye aur usko learn bhi kijiye. The process of conversion of dead plant materials. See, dead living materials nahi likhna, plant and animal nahi likhna hai. You just have to write the process of conversion of dead plant materials into coal. Coal banna usse, that is called carbonization. Means coal banne ko process ko hum carbonization bolte hain. Now see here, before the dinosaurs many giant plants died in swamps. Swamps bache hote hain daldal. Swamps is daldal. हाँ जी, इधर ये देखें हम, अगर स्वैम्प देखो, ये दलदल है 300 मिलियन ईयर्स एगो. फिर उसके बाद देखो डेड प्लांट्स कितनी नीचे लेयर में आते गए, उसके ऊपर डर्ट, डर्ट मीन्स मिट्टी बढ़ती गई, और उसके ऊपर देखो ओशन भी बन गए. ठीक है, और ऐसे धीरे 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 दबते दबते उसके ऊपर वो कितना ऊपर, अर्थ क्रस्ट कितनी ऊपर हो गई और कोल कितना नीचे दबता गया, और दबने से वो, मतलब कोल नहीं, अगर हम डेड प्लांट्स ही कहें तो, धीरे धीरे हीट और प्रेशर के एक्शन से इट गेट कन्वर्टेड टू कोल. ओके, देन वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ कोल. दिस इज द लास्ट टॉपिक वी आर कवरिंग टुडे. दीज आर टाइप्स ऑफ कोल, आर पीट, लिग्नाइट, subbituminous, bituminous coal, anthracite and graphite. Okay, and these are the types of coal we are doing now. See the peat. Peat jo hota hai beta, ye sabse soft brown substance hota hai aur isme sirf 30% carbon hota hai. That is written there in your book. So ye four types jo hain aapke, wo aapko yaad bhi karne hai bahut acche se, इनकी परसेंटेज भी और ये कौन सी स्टेज होती है वो भी. ओके, पीट इज़ अ सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ 30% ऑफ कार्बन, और ये सबसे अर्लियर स्टेज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल. ठीक है, सबसे इसकी बचपन की स्टेज, जो सबसे पहली पहली जो स्टेज होती है ना,
वो पीट मीन्स डेड रिमेन्स के बाद जो सबसे पहले जब ये बनना शुरू होता है पहले पहले दैट इज पीट। फिर उसके बाद जब उसमें वो और ज़्यादा हीट प्रेशर उसको बनता जाता है, उसके ऊपर एक्शन करता जाता है, कार्बन कंटेंट उसमें बढ़ जाता है, 38% हो जाता है। ओके, एंड दिस इज़ द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। पीट को तो हम एक बार कोयले का स्टार्टिंग करते हैं तो उसको हम यूज़ भी नहीं करते ज़्यादा, हम यूज़ करना शुरू करते हैं लिग्नाइट से, लेकिन ये सबसे सस्ता और सबसे ख़राब ग्रेड का कोल होता है, लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। बट इसको पावर जनरेशन में मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ये यूज़ किया जाता है। फिर भी आफ्टर दैट वी आर हैविंग सब बिटुमिनस स्टेज इज देयर। इसका जो होता है वो 58% के आसपास इसका कार्बन होता है, बट इसमें भी मेनली हमारा जो यूज़ होता है दैट इज़ बिटुमिनस कोल, जिसमें कार्बन बढ़ के 65% हो जाता है, और मेनली इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, ठीक है, एंड फॉर मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल जिससे हम कोक कहते हैं। कोक के और यूजेस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन एंथ्रासाइट इज़ देयर, इट इज़ द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, सबसे अच्छा कोल इसको बोला जाता है, किसको, एंथ्रासाइट को। Why? Because it is very hard coal and it contains over 90% of carbon. इसके अंदर 90% carbon होता है, बाकी volatile material इसमें नहीं होते हैं। So अगर हम कहें कि ये इसमें इन सब में difference क्या है, how these type of coal differ from each other, so अब ये देखिए how they differ from each other. Firstly, उनके अंदर सभी के अंदर अलग अलग volatile material होता है। जो lowest grade है उसमें volatile material ज़्यादा होगा और carbon कम होगा। जैसे जैसे उसकी quality बढ़ती जाती है, अच्छी होती चली जाती है, तो volatile material कम होता चला जाता है और percentage of carbon बढ़ती जाती है। So difference in percentage of volatile material, difference in percentage of कार्बन। फिर उसमें पानी, नमी, नमी जितना कम होती जाएगी उतना ज़्यादा कोल अच्छा होता चला जाएगा, और बाकी के एलिमेंट्स भी जितने कम होते जाएंगे उतना कोल अच्छा होता जाएगा। सो दिस क्वेश्चन अराइजेस देयर इन द एग्जाम ऑल्सो, मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन देयर दैट हाउ दे डिफर, हाउ द टाइप्स ऑफ कोल डिफर फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट परसेंटेज ऑफ वॉलेटाइल मटीरियल, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज डिफरेंट देन एलिमेंट्स, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड अदर एलिमेंट्स, यू कैन से दैट। ओके, देन इसका जो नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग प्रोसीजर। सो नाउ आई एम शोइंग यू द लोकेशन इन द मैप, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एंड याद कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। लोकेशन वाइज देख के आपको अच्छे से याद हो जाएगा। झरिया एंड बेकारो आर देयर, देन लिग्नाइट साउथ में, देन ये सारी जगह आप अच्छे से देख लीजिए। सी द रानीगंज वेयर इज दिस देयर इन वेस्ट बंगाल। देन दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।